ध्यान दीजिए प्लीज, बर्नौली थ्योरम, भाई प्लीज अर्चित चुप हो यार, बर्नौली थ्योरम बर्नौली थ्योरम देखिए भैया क्या है। देखिए पहली बात तो जब भी मैं बर्नौली थ्योरम की बात करूंगा तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्लूड कैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ हाँ, फ्लूड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूड, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइडियल फ्लूड को सोचते हो ना भैया कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जीरो होता है, डेंसिटी चेंज भी क्या होता है भैया, जीरो होता है, विस्कस ड्रैग क्या होता है भैया, जीरो होता है, इन चीजों को ध्यान रखना। बर्नौली थ्योरम इसी टाइप के फ्लूड पे अप्लाई है। और दूसरा है भैया स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब कि फ्लो की रेगुलरिटी एक जैसी बनी रहे, ना कभी ज्यादा ना कभी कम, ऐसा ना हो, फ्लो एक फ्लो में ही निकले, फ्लो का नाम फ्लो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है भैया। तो इन्हीं दोनों कंडीशन पर आपका बर्नौली थ्योरम अप्लाई है, ठीक है भैया। जब भी हम बर्नौली थ्योरम बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो स्टेटमेंट बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, किसमें बेस्ड है, कहता है भैया कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ क्लोज ट्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्या है, कुल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ट्यूब के अंदर देखूं तो हमेशा क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर, समझ रही है ना, तो समझिए ना स्टेटमेंट क्या है, टोटल एनर्जी इन अ क्लोज ट्यूब एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, समझे भैया, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्लोज ट्यूब के अंदर हमेशा क्या होगी, कंजर्व, बोले तो कॉन्स्टेंट, क्या होगी, अब हमें पता है लिक्विड की बात कर रहे हैं और लिक्विड के केस में तीन एनर्जी होती है, क्या होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, और तीसरी होती है आपकी प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे किसी भी पॉइंट पर तो क्या होगा भैया, हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये ट्यूब है आपकी, ठीक है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, और इसके दो पॉइंट ले रहा हूं मैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो भैया अगर मैं बात करूं, इधर देख ले, अभी पे मैं प्यार से हरजीत बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कह रहा है भैया कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये स्टेटमेंट कहती है, इन्हीं कंडीशन पे अप्लाई है। बर्नौली थ्योरम कहती है कि भैया टोटल एनर्जी इन अ क्लोज ट्यूब एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट या कंजर्व, फिक्स रहती है। अब ए पॉइंट की एनर्जी की बात करूं तो ए पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, सम होना चाहिए, ऐसा इंडिविजुअल ये इसके बराबर नहीं होगा, इनका टोटल सम बराबर होगा, अभी समझ में आ जाएगा। बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है भैया, मतलब सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, किसी भी पॉइंट का, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे कोई सही पॉइंट हो, उनके
उस पॉइंट की तीनों एनर्जी यानी काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी को जब भी जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा अपने को, बराबर मिलने वाला है। बस यही अंतर होगा कि कई बार काइनेटिक ज्यादा होगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब आपस में इंटरचेंज होगा, बाकी सम क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। मान लीजिए ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, तो कितना हो गया 16। तो यहाँ पर हो सकता है ये क्या हो, 4 हो, ये 6 हो, ये 10 हो जाए, और सॉरी 4 हो, 6 हो, और ये क्या हो जाए, 6 हो जाए। आपस में इंटरचेंज होंगे, ऊपर नीचे होगा आपस में, बाकी सम क्या आएगा अपना, कांस्टेंट आना। ये स्टेटमेंट है, इसकी पहले से कॉपी कीजिए, उसके बाद प्रूफ करेंगे इसको जल्दी से। प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं। अरे ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फ्री फंड के नंबर है। देखिए बेटो, और बेस्ड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, किस पे बेस्ड है, ठीक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। है, ये मतलब ये तो पूरा, ये यहां से बर्नौली थ्योरम आपको स्टार्ट ही करनी है, ये जो मैंने लिखवाया ना स्टार्टिंग से, यहीं से आपको स्टार्ट करनी है बर्नौली थ्योरम। मतलब किस टाइप का फ्लूड होना चाहिए, ठीक किस टाइप का फ्लो होना चाहिए, क्या कहता है, ये स्टेटमेंट होगी अब प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम करने जा रहे हैं। ध्यान दिया, डायग्राम बड़ा प्यारा है। ए, चुप हो जा। हाँ, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपकी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाली एक ट्यूब है, ठीक है, इसकी इस वाले एंड की हाइट क्या भी है, H1 है, और इस वाले एंड की हाइट क्या भी है, H2 है, ठीक है, इस वाले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया, A1, और इस वाले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, A2। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है भैया, V1 है, और यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, V2 है। फ्लो स्ट्रीमलाइन है, क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके का फ्लो है, मतलब लाइन आपस में मिक्स नहीं हो रही है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में लाइन मिक्स नहीं होती, आपको याद है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो में, तो भैया ध्यान रखना, ठीक है, दोनों एंड पर विस्कोस डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस, जिसको चीज को कंप्रेस कर सकते हो उसी की डेंसिटी को चेंज कर सकते हो, जिसको कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता उसकी डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भैया। ठीक है, यहां पर इस वाले एंड पर प्रेशर क्या है भैया, P1 है, और यहां पर क्या है भैया, प्रेशर P2, ठीक है, एक छोटी सी मैं टेबल बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका नाम दे रहा हूँ A और इस एंड का नाम दे रहा हूँ B, ठीक है, ठीक है, ये टेबल है, ये क्वांटिटी है, ये ए के बारे में बताएगा और ये बी के बारे में बताएगा, ठीक है, और बात करूं कंपैरिजन की, यहाँ पे कंपैरिजन भी है साइड ठीक ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो ए एंड पर प्रेशर कितना है भैया आपका, P1, और बी एंड पर प्रेशर कितना है भैया, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, अगर पानी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, अगर पानी यहाँ जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ऊपर का ज्यादा होता तो नीचे आता पानी, तो फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, ध्यान रखना। वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, किस एंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी बताइए आप, इस वाले या इस वाले की, V2, क्योंकि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूँ ये डेंसिटी की, तो दोनों एंड पर डेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, बराबर होगी, रो 1 रो 2, और ये दोनों को बढ़ा दिया, रो 1 बराबर में रो 2 इक्वल्स टू में रो 3, दोनों एंड की डेंसिटी क्या भैया आपकी सेम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का क्या है, A2 है, अब बता दो भैया आपका A1 जो है वो A2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, ये छोटी सी टेबल है जिसमें आपको सारी चीजें रखी है, फ्लो की स्क्वायर टाइप कौन सी है, स्ट्रीम लाइन, और समझिए, कॉपी कर, मैं मिटाऊंगा इसको।
नहीं डेथ प्रूफ थोड़ी ना हुआ है। तो ये टेबल बन गई होगी आपकी, आगे बढ़ते हैं और आप डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां की अगर मैं बात करूं तो टोटल चेंज इन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इन पर यूनिट टाइम, मैंने कहा भैया पर यूनिट टाइम में प्रेशर एनर्जी का कितना चेंज हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए भैया, एनर्जी का चेंज निकालना, मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 जूल एनर्जी लगा रखी है, क्या लगा रखी है, और यहां से निकली 20 जूल, क्या निकली, तो कितनी एनर्जी का चेंज आया, वो एक्चुअल में एनर्जी गई कहां, वो एनर्जी गई कहां, लॉस हो गया, हीट की फॉर्म में चली गई, हीट की फॉर्म में तो जा ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जो है वो नॉन विस्कस है, क्या है, और नॉन विस्कस फ्लूड में आपको पता है विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और जिस फ्लूड के लिए विस्कस ड्रैग की वैल्यू आपकी जीरो होती है वहां पर भैया हीट एनर्जी में लॉस नहीं होता। तो एनर्जी गई कहां, तो भैया वो एनर्जी कहां गई भैया, देखिए वो लिक्विड को चढ़ाने में और उसको वेलोसिटी देने में गई है, कहां गई है, मोटर, जब आप मोटर चालू करते हो तो मोटर क्या क्रिएट करती है, प्रेशर एनर्जी, क्या करती है, और जब वो उसी प्रेशर एनर्जी की वजह से लिक्विड क्या करता है, आपका राइज करता है टंकी तक, और उसी प्रेशर एनर्जी की वजह से क्या होता है, लिक्विड के पास क्या आती है, मोशन आती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आती है, मतलब जो प्रेशर एनर्जी में एक्चुअल में चेंज हुआ है वो चेंज कहां खर्च हुआ है, लिक्विड को राइज करने में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है भैया, प्रेशर एनर्जी का चेंज यहां पर हुआ है। तो देखिए भैया आपको बता दूं, टोटल चेंज इन प्रेशर एनर्जी इन पर यूनिट टाइम, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि अगर मैं बात करूं तो डेल्टा पी आर ई लिख देता हूं, पी आर ई मतलब क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी, तो आपको पता किस एंड की प्रेशर एनर्जी आपका ज्यादा होगी, इस वाले या इस वाले के, नीचे वाले हैंड की, तो प्रेशर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एट ए माइनस प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बी, क्योंकि आपको पता है भैया ए पे क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी, और बी पे क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि आपका लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, क्या कर रहा है, राइज कर, अच्छा ए की प्रेशर एनर्जी क्या होगी, तो मैं बता दूं भैया यहां पर बी क्या है, वॉल्यूम फ्लो थ्रू द पाइप इन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में इतना वॉल्यूम पाइप से फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है जब वी वॉल्यूम यहां से फ्लो कर रहा है तो उतने वॉल्यूम यहां से फ्लो करेगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही कहती है ना कि जितना वॉल्यूम यहां से फ्लो करेगा एक सेकंड में उतना ही क्या करेगा बाहर भी निकलेगा, बस डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ पे स्लो फ्लो करेगा और यहाँ पे क्या होगा फास्ट फ्लो रहेगा, क्योंकि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, बताया था ना। तो अब देखिए भैया चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या होगा भैया, ए की एनर्जी कितनी होगी भैया, तो आपको पता है वॉल्यूम इतना है और प्रेशर कितना है इस वाले एंड पर, पी वन है, तो क्या होगा पी वन इंटू में वी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बी पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, पी टू इंटू में वही वॉल्यूम होगा, तो क्या आपको पता है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों एंड पर वी वन बराबर में वी टू बराबर में वी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भैया समझ गए। अच्छा आपको पता है ये तो प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ, अच्छा अपने को पता है कि यहाँ पर काइनेटिक कहाँ की याद होगी, यहाँ की है यहाँ की, बी पॉइंट की याद होगी, तो चेंज इन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बोलो तो एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, तो देखिए भैया डेल्टा के चेंज हुआ है तो कैसे निकलेगा भैया, के भी यहाँ की एनर्जी ज्यादा है माइनस के, तो के भी कितना होगा भैया हाफ, आपको पता मास तो दोनों एंड पर सेम ही जाएगा, जितना मास एंट्री मारेगा उतने मास का एग्जिट होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, पता ना भैया दोनों एंड पर M क्यों लिया मैंने सर, ठीक है, टोटल चेंज इन क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट टाइम कितना आएगा भैया, देखिए कहां की कहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे ले लिया, लिख देना भैया, क्योंकि आपका V2 V1 से क्या है ज्यादा है, हमने पहले बता दिया ऑलरेडी टेबल में, अच्छा कहां की पोटेंशियल ज्यादा होगी, यहां की है, यहां की, तो ए पॉइंट बी पॉइंट की ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा हाइट पर है,
यहाँ का जो मास निकलेगा एम एक सेकंड में वो ज्यादा हाइट से निकलेगा और यहाँ पे कम हाइट से एंट्री मार रहा है, जो कम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड ऑन दी हाइट, तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी वहां की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, यहाँ पर एच टू क्या है एच वन से ज्यादा है, एच टू क्या इस वाले एंड की हाइट है, एच वन क्या इस वाले एंड की हाइट है। अच्छा एक बार बताइए सुन लीजिए, ये जो सारा कुछ हुआ है जो काइनेटिक एनर्जी आई है या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया किसकी वजह से आया, प्रेशर एनर्जी के चेंज की वजह से। अगर प्रेशर मोटर अप्लाई नहीं करते तो ना पानी पानी के अंदर वेलोसिटी आती और ना ही पानी के अंदर क्या होता भैया पोटेंशियल एनर्जी आती, इसको डेल्टा इसको ऐसे लिखो यार, यहाँ पे देखो डेल्टा पी ए क्या आएगा एम जी एस टू माइनस एम जी एच वन और ये क्या हुआ एस टू इज ग्रेटर देन वन। समझ गए भैया कि ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल आई है वो किसकी वजह से आई है, मोटर की प्रेशर की एनर्जी की वजह से। जो प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा वही क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर रहेगा, अगर प्रेशर एनर्जी में चेंज ही नहीं आता तो भैया इसका मतलब ना तो काइनेटिक आती ना ही क्या होती पोटेंशियल आती। इतनी क्या आई है भैया काइनेटिक और इतनी क्या आई है और वो किसकी वजह से आई है समझ गए। तो अब देखिए भैया अब एक सेकंड में कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से फटाफट, हो गया भाई देखिए भैया तो इसको मिटो रहा हूं मैं ठीक है। अब यहां पे जो फाइनल आएगा ध्यान दीजिए भैया प्लीज देखिए टोटल वर्क डन ठीक है फ्रॉम ए टू बी बराबर में टोटल चेंज इन क्या बेटा प्रेशर एनर्जी। अगर भैया प्रेशर एनर्जी में चेंज नहीं आता तो कोई वर्क नहीं होता, यानी जो वर्क डन हुआ है वो प्रेशर एनर्जी के चेंज की वजह से हुआ है। और आपको बता दूं भैया जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी बराबर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, क्योंकि ये क्या होता है वर्क होता है, ये क्या होता है वर्क ठीक है भैया ये वर्क है। तो ये कितना आया आपको पता है भैया पी टू पी वन वी पी वन वी माइनस पी टू वी बराबर में क्या है हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर और ये क्या है एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। अब एक चीज देखिए भैया वन वालों को एक साइड मिला टू वालों को एक साइड मिला, तो क्या हो जाएगा पी वन वी प्लस एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर और टू वालों को एक साइड मिला तो क्या होगा पी वन पी टू वी प्लस एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है भैया यानी इस वाले एंड की कुल एनर्जी जो है वो इस वाले एंड के क्या होगी बराबर आ गई। यहाँ पे इस वाले एंड पर प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो भी है ना वही क्या है इस वाले एंड पर ही, इसका मतलब क्या सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम बर्नौली थ्योरम। समझ गए बच्चा आसान था कुछ भी नहीं है, है ना। अब एक मिनट के अंदर कॉपी करोगे तो इसको आगे इसकी अलग अलग फॉर्म आती है जल्दी से करेंगे। अबे क्लोज ट्यूब मतलब यहां से ओपन नहीं होनी चाहिए, दो हैंड होनी चाहिए बस ऐसा दिखो ना। ए की कुल एनर्जी बी की कुल एनर्जी के बराबर आ गई, ये हो गया प्रूफ जल्दी से करो। चलो भैया अब देखिए ये तो प्रूफ हो गया ठीक है, जब भी आपको बर्नौली थ्योरम प्रूफ करने आएगी तो आप ये करोगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास के टर्म में भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो मैंने आपको बोला था कि जब पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में प्रूफ करना है तो आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए जो एक सेकंड में वॉल्यूम पास कर रहा है, या पर यूनिट मास एक से करना है तो मास से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जितना मास एक सेकंड में यहाँ पे एंट्री मारेगा उतना ही क्या होगा बाहर निकल जाएगा एक सेकंड में। नहीं तो इसको हमने पकड़ा और बर्नौली थ्योरम
टोटल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसे क्या करें भैया, इस वाली चीज को और इस वाली साइड को, दोनों साइड को क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम से तो क्या होगा, पी बन जाएगा पी वन। इसको डिवाइड कर जाओगे तो क्या, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाफ। जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, ठीक है। जब इसको डिवाइड करा तो आपने क्या हुआ, पी टू बन गया, इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, रो जी एच टू बन गया, और ये क्या होगा, हाफ रो वी टू स्क्वायर, ठीक है भैया। ये तो हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। अब हम कर रहे हैं अरे टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट मास इन पर यूनिट टाइम। तो भैया क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर दीजिए, तो मास से डिवाइड होगा क्या होगा, हाफ, ये क्या होगा, पी वन। देखिए ये मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, लेकिन वॉल्यूम अपॉन मास क्या होगा, वन बाय में डेंसिटी। मास से मास कैंसिल क्या हुआ, जी एच हो गया, वन हो गया, और ये क्या होगा, हाफ मास से मास कैंसिल होगा, वी वन स्क्वायर। ऐसे क्या हुआ, पी टू बाय रो और जी एच टू और हाफ वी टू स्क्वायर। तो भैया ये हो गया आपका, ठीक है, अलग बर्नौली थ्योरम की अलग अलग एक्सप्रेशन। इसको कई बार शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट। इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप ये लिख देना कि जो प्रेशर एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबका सम क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। लेकिन कंडीशन क्या है आपका, कि प्रोवाइडेड आइडियल फ्लूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लूड, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और यही इसके ड्रॉबैक्स भी है, बर्नौली थ्योरम के ड्रॉबैक्स क्या है, कि भैया इस वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रीम लाइन फ्लो ही नहीं, ना तो स्ट्रीम लाइन फ्लो पॉसिबल है, और ना ही कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा हो, ऐसा फ्लूड भी हो जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो। हर फ्लूड के पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, मतलब हर केस में आपका ही एनर्जी का लॉस होना ही होना है। इन इन दो, इन तीनों के अलावा भी एक चौथी एनर्जी आती है, पांचवी एनर्जी आती है, पांच दो और एनर्जी ऐड कर लीजिए, जिसमें आप अच्छे से जानते हो, एक तो विस्कस ड्रैग की वजह से आएगी और एक आएगी साउंड की वजह से, क्योंकि जो पानी बहता है तो कुछ आवाज भी क्रिएट करता है, तो साउंड एनर्जी में भी लॉस होता है। मतलब जो एनर्जी है उसमें क्या होगा, अगर आप डेली लाइफ की देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो प्रेशर एनर्जी भी रहेगी, काइनेटिक भी रहेगी, पोटेंशियल भी रहेगी, प्लस साथ साथ में साउंड एनर्जी और साथ साथ में हीट एनर्जी रहेगी। तो लिखिए भैया, ये अगली क्लास में कराएंगे यार, टाइम तो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब अभी अपना खत्म होने वाला, अगली क्लास में आपका ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ पे भाई वो सारी सिचुएशन तेरे को याद ही नहीं करनी ना, ऐसे तो साउंड भी आएगा यहाँ पे, हम साउंड को कंसीडर नहीं कर रहे, ऐसे हीट भी आएगा, विस्कोसिटी भी रहेगी, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि जो कंडीशन हो रही है वो आइडियल कंडीशन है, समझ गया भैया। तो इसको अब पूरे खत्म कराएंगे अगली क्लास में, ठीक है। संडे को भैया अब दो दो घंटे की क्लास होगी, ठीक है, हाँ नहीं शायद ये खत्म हो जाए पूरा चैप्टर, संडे को नया चैप्टर चालू करेंगे।